हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन इसरो 2016 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन पॉइंटर से रिलेटेड है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो हर एक प्रोग्राम के लिए प्रोसेस क्रिएट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और हर एक फंक्शन के लिए स्टैक में मेमोरी एलोकेट होता है। तो ये मेरा स्टैक हुआ और इसके अंदर मेन फंक्शन के लिए मेमोरी एलोकेट हुआ। प्रोसेस क्या है, स्टैक क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही जानो कि हर एक फंक्शन के लिए स्टैक में मेमोरी एलोकेट होता है। तो ये मेरा स्टैक हुआ और ये फंक्शन के लिए, मेन फंक्शन के लिए ये मेमोरी एलोकेट हुआ। इस प्रोग्राम में के एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 5 दिया है। लेट से इसका एड्रेस 100 है और फिर नेक्स्ट लाइन ये नंबरिंग कर लेते हैं। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। तो सेकेंड लाइन क्या बोलता है कि पी एक वेरिएबल जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ के। तो पी एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ के। एड्रेस ऑफ के कितना है, 100। तो ये 100 स्टोर किया। पी एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। फिर नेक्स्ट थर्ड लाइन में क्या बोला है कि एम एक वेरिएबल है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ वी। हाँ, तो पी भी एक वेरिएबल होगा तो इसका भी एक एड्रेस होगा। तो मान लेते हैं कि इसका एड्रेस 1000 है। तो एम स्टोर करता है पी का एड्रेस। पी का एड्रेस कितना है, 1000। तो 1000 स्टोर करता है एम और ये इसको पॉइंट करता है। नेक्स्ट लाइन में हमको प्रिंट करना है के की वैल्यू, के की वैल्यू और स्टार पी की वैल्यू और स्टार स्टार एम की वैल्यू। तो हाँ, देखते हैं पी के का वैल्यू क्या होगा। के की वैल्यू 5 होगा। तो ये फर्स्ट आउटपुट मेरा होगा 5। के की वैल्यू क्या है, 5 है। नेक्स्ट क्या है, पी स्टार। पी का वैल्यू कितना है, 100। और जब इस पे स्टार देंगे तो इस 100 के कंटेंट को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो 100 एड्रेस का कंटेंट क्या है, 5 है। तो जब अगर नॉर्मल पी प्रिंट करवाता, नॉर्मल पी प्रिंट करवाता तो इसका आउटपुट यहाँ पे 100 होता है, एड्रेस ऑफ 5। लेकिन इसने पी स्टार करवाया है तो 100 लोकेशन पे जो कंटेंट है उसको प्रिंट करेगा। तो 100 लोकेशन पे क्या कंटेंट है, 5। तो ये 5 को प्रिंट किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, स्टार स्टार एम। तो ये मेरा एम है। अगर इस पे मैंने एक स्टार दिया तो ये एक स्टार दिया तो ये प्रिंट करेगा कंटेंट ऑफ पी, क्योंकि इसने स्टोर किया है एड्रेस ऑफ पी। एड्रेस ऑफ पी स्टोर किया है तो एड्रेस ऑफ पी 1000 है, तो ये 1000 स्टोर किया है। और अगर यहाँ पे सिर्फ एम प्रिंट करवाता तो ये प्रिंट करता 1000। स्टार एम मीन्स जो 1000 पे कंटेंट है उसको प्रिंट करेगा। तो 1000 मेमोरी लोकेशन पे कंटेंट क्या है, 100। तो ये स्टार एम 100 को प्रिंट करेगा। अगर इस पे डबल स्टार देते हैं तो इस वाले कंटेंट के, इस वाले एड्रेस पे जो कंटेंट है उसको प्रिंट करेगा। वन स्टार मीन्स इसको प्रिंट किया, और डबल स्टार मीन्स इस वाले एड्रेस पे जो कंटेंट है इसको प्रिंट करेगा। तो ये डबल स्टार है तो डबल स्टार पे भी ये 5 प्रिंट करेगा। तो पॉइंटर से इतने इजी क्वेश्चन पूछते हैं। इसका आउटपुट क्या होगा, इसका इसका आंसर क्या होगा, ए। थैंक यू।